तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा के सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें, जिससे कि मेरी हर वीडियो को सबसे पहले आप देख पाएं। जी, मैं ये जानता हूँ कि काशी नगरी जो है शंकर जी ने अपने त्रिशूल पे बसाया। हाँ, ये सही बात है, त्रिशूल पे बसी है। त्रिशूल पे बसी है, ये बात मैंने बताई थी। ये दुनिया से इसका कोई अस्तित्व नहीं है, दुनिया से अलग है, एक अलग। यहाँ के राजा आप जिसका दर्शन करने जाते हैं महाराज काल भैरव जी हैं। जी जी जी, कहते हैं यहाँ पे दोस्तों, कहना है कि मतलब जो अधिकारी हैं SDM DM, ये लोग अपनी कुर्सी पे काल भैरव जी को बैठाते हैं, खुद उसके पड़ोस में कुर्सी डाल के बैठते हैं। सही बात है बाबा। यहाँ का जो कोतवाल आता है, कोतवाल यह सुनिए, चाहे DM आवे चाहे कोतवाल आवे, जब आएगा यहाँ बनारस उसका पदोन्नति, जैसे आप है बदली हो गया हमारे, सबसे पहले आगे जाएगा वह काल भैरव। काल भैरव फिर अपनी ड्यूटी ज्वाइन करेगा, तब अपना ड्यूटी में बैठेगा। काशी में किसी भी प्रकार से कोई भी हत्या का पाप लगा, और एक चीज याद आ गया, गंगा स्नान करने से जो है जो कि शंकर जी ने ये सृष्टि बनाई थी, हत्या का पाप का मोक्ष हुआ था, तभी से कहता कि उसे कोई भी नगरी का अगर बाधित है तो अगर काशी नगरी में आकर के जो है गंगा स्नान करेगा तथा काशी विश्वनाथ के दर्शन करेगा, काल भैरव को दीप जलाएगा, वो सभी प्रकार के पापों से मुक्ति। यहाँ पर काशी क्षेत्र में आकर आपको खाली 3 सीट का तरह जगह मिल जाए, उसी में रह रहे हैं, बस आपका सब कुछ है, सब कुछ है। हाँ, और सुनिए एक और जी जाए बात, 80 से राजघाट के बीच में ये गंगा में कोई विषैला जानवर किसी को कभी नहीं काटेगा, ये भी बाबा का कृपा है, कृपा है। 80 से राज आज तक ये भी है, बता दे रहा हूँ, 80 से राज आप स्नान करेंगे कोई विषैला जानवर नहीं काटेगा। शंकर जी के गण है वो, और शंकर जी के गण अपने भक्त को जो कैसे दंड दे सकते हैं, कदाप नहीं दे सकते हैं। अगर भाई जो आप कितनी भावना लेकर के यहाँ आए हैं कि चलो ये मैंने महाराज भैरव के दर्शन करना है, अगर शादी ब्याह किए हैं अब आप अपना हाजिरी लगाना चाहते हैं, अगर जिसने हाजिरी नहीं लगाया उसका आना बेकार है। अपने दोस्तों की बात, अपने यारों की बात, आइए बाबा के चरणों में हाजिर लगाते हुए हमारे उत्तम यार।